नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिप्स म्यूजिक एकेडमी में। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और जो बेल आइकन है वो अगर नहीं दबाया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो वो आपके नोटिफिकेशन में आए और आप उसे मिस ना कर पाए। ठीक है, तो आते हैं इस वीडियो को। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप ये वीडियो पूरी देखिए, एंड तक देखिए। ठीक है, काफी लोग क्या करते हैं कि वो थोड़ी ही देखकर छोड़ते हैं वीडियो। ठीक है, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि मैं लास्ट में आके बताता हूं, या फिर वो धीरे धीरे मुझे याद आती हैं, तो वो आप मिस ना कीजिए, वो जरूरी होती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ऐसी कौन सी टेक्निक है, ऐसा कौन सा स्पेशल आइडिया है जिसकी हेल्प से, जिसकी मदद से हम दुनिया का कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको हारमोनियम पर सिखा रहा हूं कि हमको कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या हमारे माइंडसेट होना चाहिए कि हम उसको प्रैक्टिस करें, रियाज करें। ठीक है, काफी लोग होते हैं ऐसे, मेरा यकीन मानिए कि 5 साल 6 साल कईयों 10 साल तक मतलब म्यूजिक में ही पढ़ाई करते रहते हैं, PhD तक कर लेते हैं म्यूजिक में, लेकिन तब भी वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते। उनको सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। ठीक है, तो इसी समस्या को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आप जितने भी लोग हैं जिनको प्रॉब्लम होती है म्यूजिक का कॉन्सेप्ट समझने में, तो उनके लिए वीडियो बहुत यूजफुल होगी। ठीक है, मैं आपको इसमें कुछ एक्सरसाइज बताने वाला हूं, आप उनको सब एक एक करके सभी एक्सरसाइज को फॉलो करना। ठीक है, अगर अच्छे से करेंगे तो आप जरूर सीखेंगे और जल्दी ही सीखेंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, लेकिन क्या करना है आपको, ईमानदारी से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि एक ऑक्टेव में 12 सुर होते हैं। ठीक है, 12 अलग अलग तरह के सुर होते हैं। अब ऑक्टेव में कोई सी भी ले सकता हूं, जैसे कि अगर मैं ये ऑक्टेव लू, या फिर ये ऑक्टेव लू, या फिर ये ऑक्टेव लू, या फिर ये, या फिर कोई सी भी ऑक्टेव। ठीक, तो उन 12 स्वर के बाद जो 13वां स्वर होता है वो पहले का रिपीटेशन होता है। समझे बात को, जो हमने पहला स्वर यूज किया था वही 13वें नंबर पे, यानी 13th नंबर पे पहला स्वर रिपीट होगा, सिर्फ ऑक्टेव चेंज हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं यहां बजाऊं सा, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th पर वही सा रिपीट होगा, सा। ठीक है दोस्तों, तो जो इंटेंसिटी है वो दो गुनी हो जाती है जब हम एक ऑक्टेव कवर कर लेते हैं, यानी कि इस सा की जो इंटेंसिटी है और इस सा की, तो जो हाई वाला सा है उसकी डबल होगी। ठीक है, तो अब आपको प्रैक्टिस जो करनी है वो ध्यान से सुनिएगा एकदम। ठीक है, आप किसी भी नोट को सा मानिए, मतलब कि आप, आपकी मनपसंद है वो। ठीक है, आपकी पसंद छोड़ दिया मैंने, आपकी पसंद पर छोड़ दिया कि आपको जो चूज करना है, जैसे कि आपने 12 की एक ऑक्टेव चूज करी, तो उसमें से आप कोई सा भी एक स्वर ले लीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैं सी शार्प पे उदाहरण लेके बता रहा हूं, फिर बाकी और भी बताऊंगा ताकि आपको समझ लगे कि कैसे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सी शार्प को आपने सा माना, तो अब आपको करना यह है कि इसके बाद जो अगले स्वर हैं, ठीक है, इसके बाद हर एक स्वर पर आपको जाकर फिर वापस आना है उसी स्वर पर। ठीक है, समझे बात को, मतलब कि साफ दबाया मैंने, फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट स्वर बताऊंगा, यानी कि रे कोमल दबाया, फिर वापस रे कोमल दबा के फिर सा पर आना है। ठीक है, तो इस अभ्यास को आपको दिमाग में सेट करना है, जैसे कि सा। ठीक है, ये सबसे पहली एक्सरसाइज है, फिर इस वीडियो को जब आप पूरी देखेंगे तो बाकी के एक्सरसाइज आपको मालूम पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली एक्सरसाइज आपको यही करनी है, सा के बाद रे कोमल पर आइए, फिर वापस सा पर जाइए। ठीक है, उसके बाद सा पर आप डटे रहिए, सा रे सा। अब रे शुद्ध पर आइए, सा रे सा। अब रे शुद्ध के बाद ग कोमल, सा ग सा। अब ग शुद्ध, सा ग सा। ठीक है, अब ग शुद्ध के बाद म शुद्ध, सा म सा। अब म तीव्र, सा म सा। ठीक है दोस्तों, अब प, सा प सा। अब ध कोमल, सा ध सा। अब ध शुद्ध, सा
नी कोमल, सा नी सा। अब नी शुद्ध, सा नी सा। फिर सा हाई ऑक्टेव का सा, फिर वापस सा, ठीक है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज आपकी हुई जो मैंने आपको अभी बताई, मतलब कि आपको एक नोट पर ठहरना है, फिर उसके बाद जस्ट उसके नेक्स्ट फिर वापस आना है, फिर एक छोड़कर फिर वापस आना है, फिर दो छोड़कर फिर वापस आना है, फिर तीन छोड़कर, ऐसे आपको सभी स्वर कवर करते जाना है, ठीक है। मेरी बात मानिए, यकीन कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, और जैसे जैसे आप रियाज करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, और अपने कानों को खुला रखेंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा, अपने कानों को खुला रखेंगे, यू हैव टू लिसन फ्रॉम योर ईयर्स, ओके, और अच्छे से आपको सुनना है, समझना है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज ये हुई, अब आते हैं हम इसकी दूसरी एक्सरसाइज पे, ठीक है। ये तो आपने किया सी शार्प को सा मानकर, अब दूसरी एक्सरसाइज में आप क्या कीजिए कि जो सभी 12 ऑक्टेव हैं, सॉरी सभी एक ऑक्टेव में सभी 12 स्केल्स हैं, उनको एक एक करके सभी को सा मानकर फिर यही एक्सरसाइज दोहराइए। जैसे कि अभी मैंने सी शार्प को सा माना, अब आपको सी को सा मानना है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं, आप हाई भी जा सकते हैं, आप लो भी जा सकते हैं, ठीक है। आप या तो जी शार्प से लेकर पहले जी शार्प को सा मानिए, फिर ए को सा मानिए, फिर ए शार्प को सा, ऐसे करके सबको आपको सा मानते जाना है। मैं उदाहरण लेता हूं, मान लीजिए मैंने ए शार्प को सा माना, फिर इसकी प्रैक्टिस कैसे हुई, सा रे सा सा रे सा, ठीक है। दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अगर मैं सभी स्किल से बताने लगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, आपको प्रैक्टिस हर स्किल से करनी है। तो पहली एक्सरसाइज में आपकी कितनी प्रैक्टिस हुई, 12, ठीक है, सभी 12 स्केल्स में आपकी 12 प्रैक्टिस ये हुई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप अगर ईमानदारी से फॉलो करेंगे तो जरूर सीखेंगे, ये आप गारंटी के साथ ले लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है, आपकी प्रैक्टिस मैं नहीं करवा पाऊंगा, मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूं कि अगर आप इस तरीके से जाते हैं तो आपको समझ में आने लगेगी चीजें, ठीक है। तो अब हम आते हैं दूसरी एक्सरसाइज पर, दूसरी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है कि जितने भी शुद्ध स्वर है, ठीक है, अभी हमने क्या किया, कोमल भी लिए, शुद्ध भी लिए और मत तीव्र भी लिया, लेकिन अब दूसरी एक्सरसाइज में आपको एक नोट को सा मानकर, सी शार्प हो, सी हो, बी हो या ए शार्प हो, कोई सी भी नोट हो, ठीक है, उसको सा मानकर फिर आपको शुद्ध पर जंप करना है और फिर वापस पहले स्थान पर आ जाना है, ठीक है। जो सा मानते हैं उसको आप समझिए हमारा घर, ठीक है, हमको घर से निकलना है, कुछ जगह जाना है, फिर वापस घर पे लौट आना है, ठीक है, ये आपको करते जाना है। तो अब आइए सी शार्प से करते हैं। अब देखिए, इससे पहले मैंने रे कोमल भी लिया था, लेकिन इस एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ शुद्ध लूंगा, यानी कि रे शुद्ध, ग शुद्ध, म शुद्ध, प, ध शुद्ध, नी शुद्ध, सा, ठीक है। अब कैसे प्रैक्टिस होगी, सा रे सा सा ग सा सा म सा सा प सा सा दोस्तों। तो इस तरह से आपको सभी स्वर शुद्ध स्वरों का रियाज करते जाना है, और ऐसे ही आपको 12 स्केल से करनी है, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज में आपकी 12 प्रैक्टिस वो हुई थी, और दूसरी में आपकी 12 प्रैक्टिस ये, कुल मिलाकर 24 हुई, 24। अब आते हैं हम तीसरी एक्सरसाइज पर, ठीक है। तीसरी में आपको क्या करना है, आपने जहां घर माना है, ठीक है, जहां जिस नोट पर भी घर माना है, यानी कि सा माना है, वहां से अब सिर्फ और सिर्फ आपको कोमल और तीव्र, ठीक है। कोमल हमारे कितने स्वर होते हैं, 4 कोमल होते हैं, किस किस का, रे कोमल, ठीक है, ग कोमल, ध कोमल, नी कोमल और म का तीव्र, ये अगर मैं सी शार्प को सा मानता हूं तो, ठीक है। फिर जैसे जैसे मैं सा चेंज करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग नोट्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो सेम रहता है। अब हम सी शार्प को लेके बताता हूं आपको कैसे रियाज करना है तीसरी एक्सरसाइज का। देखिए, सा के बाद रे कोमल पर जाइए, फिर सा पर आइए, फिर सा के बाद ग कोमल पर जाइए, फिर सा पर आइए, फिर सा के बाद म तीव्र पर जाइए, फिर सा पर आइए, फिर सा के बाद ध कोमल, फिर सा के बाद नी कोमल, फिर सा, ठीक है। आइए अब इसको प्रैक्टिस करते हैं। सा रे सा
सा ग सा सा म सा सा ध सा नी सा। तो ठीक है दोस्तों, इसमें हमने क्या किया, रे कोमल, ग कोमल, म तीव्र, ध कोमल, नी कोमल, ठीक है। तो ये तीन एक्सरसाइज और इन तीनों के 12 स्केल, ठीक है, यानी कि सी शार्प को समाना, अब सी को समानी है, ठीक है। अगर मैं सी को समानता हूं तो इसका रे शुद्ध क्या हो जाएगा, सा रे सा सा ग सा सा म सा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपको सरगम बजाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे चैनल पर वीडियोस देखिए, आपको जरूर पता लगेगा, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है मैं मानता हूं, जहां तक, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे अगर अभी तक नहीं किया है तो, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप मुझसे आने वाले वीडियोस में क्या चाहते हैं, ये भी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं हम अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।